आज का टॉपिक है अबाउट द साइकोसिस, यानी कि साइकोसिस एक मेंटल कंडीशन है, उसकी सिम्टम्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसके बारे में आज का क्लास में बता रही हूँ। यानी कि साइकोसिस जो है, जो भी हमारे रियलिटी है, हम जो जीने वाले जगह पे, उससे थोड़ा इंट्रोवर्टेड जो भी लेते हैं उसको साइकोसिस बोलते हैं। यानी कि विड्रॉयल फ्रॉम रियलिटी है उसका सिंपलेस्ट मीनिंग। यानी कि वो लोग ज़्यादातर अपने खुद का वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी में रहते हैं और अपना खुद का उतना पर्सनालिटी है तो वो दिन दिन भर कम होते जाते हैं, यानी कि डिटोरेशन इन पर्सनालिटी हो देते हैं और बाद में कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी हो जाते, उतना रियलिस्टिक नहीं होते हैं वो लोग, जो करता है उनका उतना तक मीनिंगलेस नहीं होते हैं और फिर उनका जो परसेप्शंस हैं वो जान लेते हैं कि वो एकदम सही है, पर दूसरों की आंखों में वो उतना सही नहीं होता है। और फिर उनका जो थॉट्स होते हैं वो बोलते ही रहते हैं कि मेरा थॉट्स जो होता है वो एकदम सही है, और इनकरेक्ट रेफरेंसेस भी हो जाते हैं एक्सटर्नल रियलिटी के बाद में, और थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्ररी एविडेंस भी वो ले आते हैं। उसमें डेल्यूशंस एंड हैलुसिनेशंस आर बोथ कॉमन। डेल्यूशन मतलब इररेगुलर एंड स्टॉक पर, हैलुसिनेशन मतलब जो वहाँ पे नहीं है पर वो उसको दिखता है, यानी कि ऑडिटरी हैलुसिनेशन, विजुअल हैलुसिनेशन ऐसे टाइप्स का होते हैं। विजुअल हैलुसिनेशन मतलब मान लो हमारे आंखों के सामने एक सांप खड़ा है पर सचमुच में वहाँ एक सांप ही नहीं होता है। ऑडिटरी हैलुसिनेशन मतलब हम किसी का आवाज़ सुनता है पर एक्चुअल में ऐसा आवाज़ नहीं होता है। कभी कभी अल्कोहल या फिर हेरोइन, मॉर्फिन, कैनाबिस या फिर कोकेन और LSD के यूज़ से भी लोगों को हैलुसिनेशन और फिर बाद में साइकोसिस हो जाते हैं। सो फिर साइकोसिस कभी कभी एपिलेप्सी में या फिर सेरेब्रल ट्यूमर्स में, सेरेब्रल ट्रॉमा में या फिर प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के टाइम में भी ये हो जाते हैं। प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के बाद मोस्टली पोस्टमार्टम साइकोसिस वगैरह भी हो जाते हैं किसी किसी को। तो फिर इस सारे केसों में सीवियर ब्रेन डिटोरेशन भी होता है। दूसरा है साइकोटिक किलर के बारे में। हम किलर सीरीज या फिर सीरियस किलर सीरीज और फिर डेंजरस किलर मैन ऐसा सुनते हैं, तो फिर इन लोगों के बीच में सच पर्सन्स जो होते हैं वो इनकेबल होते हैं, उनका अपना नेचर ऑफ एक्ट क्या किया, यानी कि वो सचमुच में कुछ हैलुसिनेशन और डिल्यूशन के टाइम में ही मर्डर किया होगा, तो फिर बाद में वो जो रियलिस्टिक में आते आते हैं उनको याद भी नहीं होता या फिर क्या किया सोच के खुद को कोसते हैं। और फिर जजमेंट जो होते हैं बहुत फॉल्टी बन जाते हैं, उन लोग सोचते हैं कि किसी ने कुछ किया पर सचमुच में ऐसे किया ही नहीं होता है, तो फिर साइकोटिक टिलर में ऐसे ही होता है। तो फिर इन सीवियर केसेस ऑफ डिप्रेशन में ही मर्डर्स वगैरह बहुत कॉमन होता है। कभी कभी स्किजोफ्रेनिया जो होते हैं वो खुद का सुइसाइड भी कर लेते हैं और दूसरों का मर्डर भी करते हैं, क्योंकि उसमें डिल्यूशन वगैरह हो जाते हैं। स्किजोफ्रेनिया मतलब सीवियर ब्रेन डिप्रेशन की वजह से हम रियलिटी से जितने ही बाहर आ जाते हैं। कभी कभी जेलसी की वजह से या फिर अल्कोहलिज्म की वजह से भी मर्डर हो जाते हैं। इसमें मोस्टली मर्डर ऑफ स्पाउस, यानी कि अपना खुद का हस्बैंड और वाइफ का ही मर्डर हो जाते हैं, क्योंकि अपने करीब के यानी कि क्लोज वाले जो भी रहते हैं उनका भी मर्डर ज़्यादातर यहाँ पर हो जाते हैं। और फिर लेयरली मैनियाक, सीवियर हाइपोमैनियाक वगैरह भी हो जाते हैं, उनका सीवियर मैनियाक या फिर हाइपोमैनियाक स्टेजेस में ही वो मर्डर कमिट करते हैं। दूसरा है साइकोपैथिक किलर, यानी कि किलिंग जिसको मारना है वो बहुत अनइंटेंशनल होता है, कभी कभी अपने खुद का कंट्रोल लॉस हो जाता है उसकी वजह से ही मर्डर वगैरह हो जाते हैं। ओवर कंट्रोल्ड मर्डर होते हैं, उनका हाई लेवल ऑफ कंट्रोल होते हैं इनका एग्रेशन पे, बट उसके बाद जो मर्डर करते हैं बाद में वो खुद का अपना सुइसाइड भी कर लेते हैं। वो एग्रेसिव एक्ट के बाद वो अपने खुद का नॉर्मल बिहेवियर में आ जाते हैं। इन सम नो नॉर्मल इमोशनल रिस्पॉन्सेस में भी ऑलमोस्ट एब्सेंट। तो कभी कभी ऐसे ही हो जाते हैं वे खुद का अपने बिहेवियर में नहीं आते हैं पर बल्कि उनका नॉर्मल जो इमोशनल रिस्पॉन्सेस है वो बहुत ही एब्सेंट भी हो जाते हैं यहाँ पे। तो फिर यहाँ के आपने एक नियरली जो केस पड़ा होगा कि आंध्र प्रदेश में यानी कि दो माँ बाप वगैरह उनके दो बेटियों को मार डाला था, तो फिर उनका नियरेस्ट साइकोसिस केसेस में भी वो जानते हैं कि वो सब जो दिखते हैं या फिर सुनते हैं वो सब रियलिटी ही है। पर बाद में ऐसा होता है कि उनका अपना रियलिटी से नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं तो वो खुद होश में आ जाते हैं, इसलिए ही वो उसके पापा वो मर्डर के बाद
खुद रो रहा था क्योंकि वो अपने रियलिटी में आ गए थे, पर वो मदर अभी तक रियलिटी में नहीं आए थे। तो फिर साइकोपैथिक किलर में ऐसे ही होते हैं। न्यूरोसिस, न्यूरोसिस मतलब वो उतना स्किज़ोफ्रेनिया या फिर कुछ ही साइकोसिस तरह तरह की ग्रेस उतना एग्रेसिव मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। उसमें ऐसे ही हो जाते हैं कि पेशेंट्स में बहुत इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर हो जाते हैं, उसकी वजह से वो रियलिटी से थोड़ा दूर रहते हैं। इंक्रीज्ड एंजाइटी या फिर डिप्रेशन और फिर हिस्टीरिया भी हो जाते हैं। इसमें जो इफेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं, उसमें कंसिडरेबल डिस्ट्रेस भी हो जाते हैं पेशेंट को, पर वो उतना तर सीवियर इफेक्टिव चेंज में नहीं होता है, पर कुछ मेडिसिन से ड्रग से वो ठीक हो जाते हैं। डिस्टर्बेंसेस ऑफ थॉट हो जाते हैं विच इज़ वेरी कॉमनली सीन देयर। दूसरा है न्यूरास्थेनिया के बारे में, यानी कि वो एक नर्वस एक्सॉशन स्टेज है जहाँ पे फिजिकल या फिर अपने खुद का मेंटल कंडीशन से लोग नर्वस एक्सॉशन में हो जाते हैं, अबनॉर्मल फैटिक हो जाते हैं और अपना खुद का नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स वगैरह वहाँ पे दिख जाते हैं। दूसरा है म्यूटिसम, यानी कि सीवियर केसेस ऑफ डिप्रेशन, हिस्टीरिया, मैनियक अटैक्स या फिर स्किज़ोफ्रेनिया के अटैक्स में, या फिर कुछ ऑर्गेनिक ब्रेन लेशन और फिर मालिंगरिंग केसेस में अपने खुद का स्पीच लॉस हो जाते हैं। वहाँ पे कंप्लीट लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू एनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से वो हो जाते हैं। कभी कभी बच्चों में ही ये ज़्यादातर पाए जाते हैं क्योंकि बच्चे कोई अनयूजुअल इंसिडेंट्स वगैरह देखता है तो उनको उनका अपना स्पीच बाहर नहीं आ जाते, वो एकदम शॉक में चले जाते, इसलिए वो म्यूटिसम वगैरह बोलते हैं। इसमें सेलेक्टिव म्यूटिसम भी आ जाते हैं और परमानेंट टेम्पररी म्यूटिसम भी आ जाते हैं। वो अपने आप के काउंसलिंग या फिर कुछ ड्रग्स भी वो ठीक हो जाते हैं। कन्फैबुलेशन मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि कुछ ऑर्गेनिक ब्रेन लीशन की वजह से अपना खुद का लॉस ऑफ मेमोरी हो जाते हैं, उसका कॉन्फाबुलेशन बोलते हैं। कॉन्फाबुलेशन ज़्यादातर चैटिंग को भी बोलते हैं, यानी कि चैट 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 करके उसको भी कॉन्फाबुलेशन बोलते हैं। दूसरा है इंसैनिटी, जो इंसैनिटी होते हैं हम उन्माद बोलते हैं, जो उन्माद की वजह क्या है, उनका मॉडर्न एस्पेक्ट से क्लासिफिकेशन ये है कि हेरिडिटरी या फिर एनवायरमेंटल और फिर साइकोजेनिक और फिर दो और भी कॉसेस हैं। पहले हम देख लेते हैं हेरिडिटरी कॉसेस क्या हैं। हेरिडिटरी कॉसेस यह है कि हमारी जीन्स में जो है, यानी कि अगर हमारे फैमिलियल टेंडेंसी में इंसैनिटी है तो वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में भी आ जाते हैं। इसमें दो एग्जाम्पल दिया है, वो है हंटिंगटन कॉरिया एंड अमायूरोटिक फैमिली इडियोकेसी बोलते हैं। हंटिंगटन डिजीज जो होते हैं वो डिट्यूरिएटिंग ब्रेन की कैपेसिटी से जो होता है उसकी वजह से एक नर्वस डिजीज आ जाता है। अमायूरोटिक फैमिली इडियोकेसी भी जीन्स डिप्रेशन के साथ से ही हो जाते हैं। दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उसमें फॉल्टी पैरेंटल एटीट्यूड या फिर लैक ऑफ मेंटल हाइजीन की वजह से, यानी कि हमारे बच्चे कौन से एनवायरमेंट में पैदा हो जाते हैं, कौन से एनवायरमेंट में वो बड़े हो जाते हैं, उनके डिपेंडेड है ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगर हमारे पेरेंट्स या फिर हम खुद का हमारे बच्चों को उतना केयर नहीं करता है, उनको हर बार एक मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हैं, तो फिर वो बच्चे ज़्यादातर बड़े होने के बाद उनका बहुत मेंटली इंस्टेबल बन जाते हैं, उनका अपना खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं, और कभी कभी उतना पर्सनल हाइजीन के तरह ही मेंटल हाइजीन को बोलते हैं, वो हाइजीनिक नहीं होते हैं। दूसरा है साइकोजेनिक कॉसेस, साइकोजेनिक अपना खुद का बिना कुछ मेंटल फैक्टर्स या फिर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अलावा कुछ साइकोजेनिक कॉसेस से वहाँ पर हो जाते हैं। वो मोस्टली अपना लाइफ में जो बुरी बातें हो जाती हैं उसके तरह से साइकोजेनिक कॉसेस आ जाते हैं, यानी कि अनसक्सेसफुली रिप्रेस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादातर दबा दबा के अपने मन में रखते हैं उसके बाद वो साइको हो जाते हैं। दूसरा है प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स, प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स मतलब जो जब लाइफ बितरता है उनके बीच बीच में जो आते हैं उनको प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। उसमें फिनेंशियल या फिर बिजनेस वरीज की वजह से या फिर बिजनेस एकदम अच्छे से नहीं हुआ है तो फिर वहाँ उस टाइम में जो मेंटल ट्रॉमा हो जाते हैं उसकी वजह से भी साइकोसिस हो जाते हैं, या फिर सीवियर फ्रस्ट्रेशन या फिर डिसअपॉइंटमेंट जो होते हैं मोस्टली सेक्सुअल अफेयर्स में, उसकी वजह से भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स के मोस्टली इंसैनिटी बन जाते हैं। या फिर अपने करियर का एक बहुत अच्छी रिलेटिव या फिर अपना पेरेंट्स या फिर अपना खुद का स्पाउस की डेथ की वजह से जो फैक्टर्स डेवलप हो जाते हैं उसको प्रिसिपिटेटिंग इंसैनिटी बोलते हैं, कॉज ऑफ इंसैनिटी। दूसरा है ऑर्गेनिक,
ऑर्गेनिक मतलब कोई भी डिसीज के वजह से जो होते हैं उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। मान लो कोई हेड इंजरी की वजह से या फिर एथरोस्क्लेरोसिस कंप्लेंट की वजह से या फिर सिनाइल डिजनरेशन यानी कि जब टाइम पास हो जाते हैं स्लोली हमारी ब्रेन कैपेसिटी में डिजनरेशन होते हैं उसको सिनाइल डिजनरेशन बोलते हैं। दूसरा है मैक्सिडेमा यानी कि सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन में भी या फिर कुछ जेनेटिक ट्रेट से भी ये मैक्सिडेमा कंप्लेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज परनीशियस एनीमिया, दिस आर ऑल द केसेस ऑफ इंसैनिटी। सो फिर साइकोसिस का इतना बहुत छोटा सा इन्फॉर्मेशन है अबाउट साइकोसिस, नॉट मूविंग टू मच इन द डिटेल्स, बट ऑल द केसेस जस्ट टेक इट इन योर माइंड।